बच्चों अपना 27th क्वेश्चन है, देखो। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज क्यू एंड टू क्यू, क्या कह रहा है? दो पार्टिकल्स हैं अपने पास ए और बी, एक का चार्ज है क्यू और दूसरे का चार्ज है टू क्यू, क्लियर है? ये एक दूसरे से कितने सेपरेशन पर रखे हुए हैं? डी दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हुए हैं। ऑन ए स्मूथ टेबल ए थर्ड पार्टिकल सी इज टू बी क्लैंप्ड ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट द पार्टिकल ए एंड बी रिमेन्स एट रेस्ट। क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल क्या है? बी है। क्या कह रहा है कि एक थर्ड पार्टिकल है सी, वो अपने को इस टेबल पर रखना है, इस तरह से उसको रखना है कि जो पार्टिकल ए है बच्चों और पार्टिकल बी है ये किस पे रहे? रेस्ट पे रहे। ये किस पे रहे? रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे रहे मतलब कि इन पे नेट फोर्स क्या लगे? जीरो, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में हो, क्लियर है? और अगर मैंने आपको बता रखा है अगर सेम नेचर के चार्ज है, किसके चार्ज है? सेम नेचर के चार्ज है, तो इक्विलिब्रियम बनेगा बीच में, यानी कि थर्ड पार्टिकल को सी को मस्ट बी कहां पे रखना है? इनके बीच में रखना है। अगर सेम नेचर के चार्ज है, प्लस प्लस या माइनस माइनस है, तो चार्ज को कहां पे रखना है? मिड में। और हमने मान लिया कि इस चार्ज को हमने यहां से एक्स दूरी पर रखा, तो बच्चों ये दूरी क्या बच जाएगी? सर ये बच जाएगी डी माइनस एक्स। क्या बच जाएगी बच्चों? ये दूरी डी माइनस एक्स। आगे क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन सी एंड वेयर शुड बी इट क्लैंप, कि चार्ज क्या हो सी पर और इसको कहां पर हम क्लैंप करें। देखो तो कहां पर करेंगे ये तो बता दिया, बीच में करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि यहां से कितना दूर। अब देखो चार्ज क्या हो उसके लिए देखो कि सबसे पहले नेचर कि सी पे मान लेते हैं कि जो चार्ज है एट सी, चार्ज एट सी वो हमने मान लिया कैपिटल क्यू है। क्या है? कैपिटल क्यू। और जो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट। अब देखो इसके ऊपर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सी पे नेचर क्या होना चाहिए, यानी कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, मैग्नीट्यूड बाद की बात है। अब देखो ये चार्ज अगर प्लस हो गया, क्या कह रहा है कि ए और बी किस पर रहे? रेस्ट पर। अगर ये चार्ज प्लस हो गया तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा राइट लेफ्ट में, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, और ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, इस पे ये भी फोर्स किधर लगाएगा? इधर ही लगाएगा। दोनों फोर्स इधर लगेंगी, इसका मतलब क्या है? रेस्ट पे हो सकता है? नहीं। कब होगा रेस्ट पे? जब नेट फोर्स जीरो हो, एक लेफ्ट में लगे और एक राइट में, यानी कि जो क्यू का मैग्नीट्यूड होगा वो नहीं सॉरी जो क्यू का नेचर होगा वो मस्ट बी नेगेटिव। क्यू कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर इधर फोर्स लगाएगा रिपल्सन की, और अगर ये नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव पॉजिटिव में क्या फोर्स लगेगी बच्चों? अट्रैक्शन की। किसकी फोर्स लगेगी? अट्रैक्शन की। अच्छा अब अपना सवाल करते हैं, क्यू नेगेटिव होगा, अब हमें एक्स कैलकुलेट करना है और क्यू का मैग्नीट्यूड। तो देखो ए और बी क्या कह रहा है? रेस्ट में रहने चाहिए। ए और बी किस में रहने चाहिए? रेस्ट में। फॉर ए टू बी एट रेस्ट, अगर ए रेस्ट पे रहे तो क्या लिखेंगे? इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स, दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? इक्वल। इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, तो बच्चों A को रेस्ट में होने के लिए क्या कंडीशन है? F1 इक्वल टू F2। F1 जो फोर्स है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण वो क्या होगी? K Q1 Q2 2Q by D square। ये इक्वल होनी चाहिए F2 के, जो कौन लगा रहा है? C। C पर क्या चार्ज मान रखा है? Q। तो क्या आ जाएगा? K Q Q by X square, दोनों के बीच की दूरी X। तो K Q से क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों? K Q कैंसिल हो जाएगा। अच्छा क्या क्या बचेगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q D square इक्वल टू क्या बचा? 2Q एक्स स्क्वायर, टू क्यू एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास, क्लियर है? अब देखो बी भी रेस्ट में होना चाहिए, तो फॉर बी टू बी एट रेस्ट, अगर बी किस पर हो बच्चों? रेस्ट पर हो, तो बी पर नेट फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए? जीरो के, यानी कि जो सी लगाएगा और जो ए लगाएगा बी पर वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो सी तो क्या लगाएगा बच्चों? के क्यू टू क्यू बाई दोनों के बीच की दूरी डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्या लगाएगा? के क्यू टू क्यू बाई डी स्क्वायर। तो देखो के क्यू ने के क्यू को मार दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, देखो अपने पास क्या आ जाएगा? टू ने टू को मार दिया, क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्यू डी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा क्यू इंटू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, ठीक है? अब डिवाइड कर दो, वन को किससे डिवाइड कर दो? टू से। तो देखो लेफ्ट में क्या है? क्यू डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में वन बचेगा। राइट में क्या है बच्चों? टू क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन
क्यू इंटू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, बोलो पक्की बात है। अब क्या आ जाएगा बच्चों, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर रूट लो बच्चों, क्या आ जाएगा रूट टू एक्स इक्वल टू डी माइनस एक्स, और अगर हम x को इधर ले आएंगे और x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों रूट टू प्लस वन इक्वल टू डी इक्वल टू डी। तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों डी बाई रूट टू प्लस वन, x इक्वल टू क्या आ जाएगा डी बाई रूट टू प्लस वन। तो चार्ज c को कहां पर रखें बच्चों, q चार्ज से d बाई रूट टू प्लस वन की दूरी पर चार्ज सी को हम रखेंगे। अच्छा दूसरी बात की इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, देखो इसमें आंसर क्या कह रहा है कि रूट टू माइनस वन इन टू डी, तो वो आ जाएगा कैसे आ जाएगा, देखो इसको कैसे आ जाएगा ये आंसर अपना जो बुक में दे रखा है, x इक्वल टू क्या आया डी बाई रूट टू प्लस वन, तो इसको रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू माइनस वन से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा रूट टू माइनस वन इंटू डी अपॉन क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टू माइनस वन वन, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों रूट टू माइनस वन इंटू डी, तो यही अपना आंसर है। ठीक है कैलकुलेशन थोड़ी बस, ठीक है तो कितनी दूरी पर रखेंगे रूट टू माइनस वन डी दूरी पर रखेंगे, कहां से क्यू चार्ज से। अब सेकेंड क्या है बच्चों, हमें कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी, तो देखो क्या आ जाएगी, एक्स अपने पास ये आया, इसको मैं मिटा देता हूं देखो, ठीक है ये जो अपने पास वैल्यू आई इसको आप पुट कर दो यहां पर, इसको यहां पे पुट कर दो, या फिर अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसमें सिंपल रहता पुट करना, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या आई थी के कैन के आ जाए इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा क्यू डी स्क्वेयर इक्वल टू q इंटू डी माइनस एक्स, एक्स क्या आया रूट टू माइनस वन इंटू डी, तो क्या लिखेंगे हम रूट टू माइनस वन इंटू डी और ये सारे का होल स्क्वायर। तो यहां से बच्चों कैपिटल q की वैल्यू हम सोल्व कर लेंगे, तो जो अपने पास आंसर आएगा वो क्या आएगा c पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है तो शाबाश, स्क्रीन पॉज करो और इसको नोट करो।